हेलो डियर ऑडियंस एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर महावीर प्रसाद, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एज वी नो दैट ए ह्यूमन सिविलाइजेशन इज पासिंग थ्रू एज एन एज ऑफ क्राइसिस नाउ ए डेज इन टाइटल ऑफ COVID-19, बेशक ये हमारे लिए एक ऐसा दौर है जिसमें हमें कई प्रकार की विडंबनाओं का और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको सिस्टमेटिकली सिलेबस शुरू करवाऊँ। इससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आज इस पहले वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरी बातों को मैं एक विशेष टाइटल में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप तक कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, और वो टाइटल है हमें बचना है, हमें बचना है। जैसा कि हमें एक दूसरे से बचना है, कोरोना वायरस से बचना है, एक ये हो हल्ला लंबे टाइम से हम सुन रहे हैं, लेकिन मैं इस इश्यू से हटकर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं और उनको वन बाय वन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये इसलिए कि इस चैनल के माध्यम से हमें आप लोगों को टीचिंग करने की जिम्मेदारी दी है, और ये टीचिंग प्रॉपर हो सके इसके लिए हमारे बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन एक अच्छा चैनल बने। ऐसा कब संभव है, ऐसी कुछ चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन बातों की कड़ी में सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप इस दौर में नकारात्मकता से बचें। नकारात्मकता से बचें, अवॉइड नेगेटिविटी, क्योंकि जब तक हम इस नेगेटिविटी के शिकार रहेंगे तब तक हम हमारी प्रॉपर एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और जब हम एनर्जी को प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीवन में एक एंट्रोपी सी पैदा हो जाती है। एंट्रोपी हमारे भीतर की एक अंतर्वादा है जो हमारी शक्तियों के दुरुपयोग के रास्ते खोल देती है, और इस एंट्रोपी के इस COVID-19 के दौर में अनेक कारण जो मेरे सामने आए हैं उनमें से कुछ ही कारणों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लाइक कीप बैलेंस विथ एनवायरनमेंट, कीप बैलेंस विद एनवायरनमेंट, हमें अपने वातावरण के साथ संतुलन बनाए रखना है, और वातावरण का मतलब इस शरीर के लिए एक्सटर्नली क्लाइमेट से नहीं है। देखो, वातावरण दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है जिन्हें हम इन दो शीर्षकों में बांट सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आंतरिक वातावरण का निर्माण जो है वो हमारे भीतर हमारे इंटरेस्ट, हमारे अटेंशन, हमारे मोटिवेशन, हमारी क्रिएटिविटी, और इन सब से भी बढ़कर हमारे हार्मोनल बैलेंस से संबंधित है। इसलिए हमारे लिए ऐसे दौर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमारे शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस परिस्थितियों के अनुकूल बनाए रखें, और यदि हम अपने हार्मोन्स को अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस बैलेंस नहीं दे पाते तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जजमेंट्स कभी प्रॉपर नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपनी फीलिंग्स, हमें अपने सेंटिमेंट्स, हमें अपने इमोशंस,
इन सब के ऊपर काबू रखना है। और ये इसलिए ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि अभी हम विपरीत परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं, और विपरीत हालात में एंटी सर्कमस्टांसेज में व्यक्ति से बुरे जजमेंट तभी होते हैं जब वो प्रॉपर सेंटिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और हमारे इमोशंस और सेंटिमेंट्स जो हैं अपने बिहेव के रेगुलेटर होते हैं। इसलिए पहली बात तो ये है कि हमें अपने आप को रेगुलेट करना है तो हमें अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। नंबर दो, जिस बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो हमारे सोशल परिस्थितियों से बना होता है या सोसाइटी से फ्रेम किया जाता है। इसलिए हमारे आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण में अच्छा बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इन विपरीत हालातों में हम प्रॉपर जजमेंट नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें उन अंगूरी लता संप्रेषणों से बचना है। मीन्स वी हैव टू अवॉइड ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन ऑन सोशल मीडिया। अभी समाज के हर तबके को जिस बात के साथ दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखा जा रहा है वो है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, जिसको हम अंगूरी लता संप्रेषण कहते हैं। मतलब समाज में जो सूचनाएं एक दूसरे तक, व्यक्ति से व्यक्ति तक, ग्रुप से ग्रुप तक जो संप्रेषित की जा रही हैं उनमें सच्चाई कम होती है और अफवाहें ज़्यादा होती हैं, और ऐसी अफवाहें जो हैं वो समाज के लिए या समाज को रिटार्ड करने वाले फैक्टर से ज़्यादा कुछ नहीं होती है। और विशेष तौर से मैं आप लोगों के बीच में इस बात को शेयर कर रहा हूँ कि यदि आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से यदि अध्ययन करना है तो आपको निश्चित तौर पर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन से बचना होगा। मतलब जो झूठी खबरें, झूठी अफवाहें हर सेक्टर से संबंधित हमारे सामने आ रही हैं, और उनमें हो सकता है कहीं आप भी इन्वॉल्व हों और हो सकता है उनमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सही तरीके से जज करना है कि जिस इन्फॉर्मेशन को आप तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है वो प्रॉपर है या नहीं, उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी उसमें अफवाह है। ये जानने के लिए आपको उस मुद्दे के ऊपर एक फिलोसफर की तरह मनन करना है। यूँ नहीं कि हम भेड़चाल से उस बात को आम जनता की तरह स्वीकार कर लेते हैं। एक अच्छे लर्नर की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसे जो लिटरेचर उपलब्ध करवाया जाता है उस लिटरेचर में कितनी सच्चाई है, ये उसकी लिटरेसी पर डिपेंड करता है। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बी ए गुड सिटीजन एंड हैव ए ग्रेट लिटरेसी अबाउट द टॉपिक। नेक्स्ट बात जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि विपरीत हालात में समाज की एक मांग होती है, और COVID-19 एक ऐसा दौर है जो हमारे लिए न केवल विपरीत हालात हैं अपितु मानव सभ्यता के लिए कभी कभी ऐसा प्रतीत भी हो सकता है कि ये दौर एक पीक पॉइंट के रूप में साबित हो सकता है। इसलिए जब जब भी इतिहास में मानव सभ्यता पर ऐसे हालात बने हैं, ऐसी सिचुएशन से हम तभी बाहर निकल कर आए हैं जब प्रत्येक व्यक्ति ने अपना धर्म निभाया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस दौर में हमें अपने व्यक्तिगत और निजी स्वार्थों से बचके और हमें अपने धर्म को निभाने पर बल देना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हम जिस धर्म को निभाने की बात कर रहे हैं उस धर्म के संबंध में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है। तो मैं यहाँ इस चीज़ को
बहुत ही संक्षिप्त में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि व्यक्ति को जिन हालात में जो काम करना चाहिए और वो काम वो व्यक्ति कर गया, इसका मतलब ये है कि उसने अपना धर्म निभा दिया। और यदि हम ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, या जो काम हमें करना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं, ये दोनों ही हमें इस दौर में अधर्मी घोषित कर रहे हैं। हम धर्म के खिलाफ हैं, और धर्म के खिलाफ हैं इसका मतलब ये है कि जब जब भी समाज धर्म के विपरीत हुआ है, नागरिक धर्म के विपरीत हुआ है, समाज के पतन का रास्ता उन्मुख हुआ है। और अगर ऐसा हम करेंगे तो इस सभ्यता के पतन में निश्चित तौर पर हमारी भी कोई ना कोई भागीदारी अवश्य होगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कॉन्ट्रीब्यूट लाइक ए गुड सिटीजन एंड बी ए गुड ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी। ये समाज एक शरीर है और आपको इस शरीर के अच्छे अंग की तरह कार्य करना है तो हमें अपने धर्म का पालन करना होगा। ऐसा हम कब कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमें अपने विल पावर को मेंटेन रखना होगा। हमें अपने विल पावर को मेंटेन रखना होगा। क्या है विल पावर? विल पावर हमारे भीतर ऐसी सत्ता का नाम है जो हमें हर बाधा से पार ले जाने का हौसला हमें देती है। जैसे दो बातें हैं, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, और दूसरी बात है आई वॉन्ट टू डू। पहला सेंटेंस हमें ये कह रहा है कि मुझे करना पड़ेगा, तो इसमें एक ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, हमारी एक मजबूरी महसूस होती है। और दूसरा सेंटेंस ये है कि ये हमें एक बड़ी इच्छा शक्ति प्रदान करता है। तो हम यदि किसी भी कार्य को इस भाव में करते हैं तो उस कार्य में सफलता की गुंजाइश लगभग नगण्य हो जाती है। और यदि हम किसी भी कार्य को इस भाव में कर रहे होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में अपनी सफलता की गुंजाइश 100% होती है। क्यों? क्योंकि विल पावर किसी भी कार्य के संबंध में व्यक्ति के भीतर हर प्रकार की शक्ति पैदा करने का स्रोत है, फिर चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो, चाहे मेंटली स्ट्रेंथ हो, चाहे एडजस्टमेंट जनरेट करने की बात हो, चाहे किसी कार्य के संबंध में इंटरेस्ट पैदा करने की बात हो, या फिर वर्किंग टाइम में किसी वर्क के ऊपर अटेंशन पावर को क्रिएट करने की बात हो। अगर इतनी सारी चीज़ों का स्रोत विल पावर है तो इस विल पावर को हम मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहेंगे? तो विल पावर मीन्स मोटिवेशन, मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स हमारे भीतर एक ऐसी सत्ता जो किसी भी कार्य को करने के संबंध में हमारी हर शक्ति का स्रोत है, या किसी कार्य के दौरान हमसे किसी प्रकार की गलती होती है तो उस गलती को रिमूव करने की या हटाने की शक्ति का स्रोत है। यदि किसी कार्य को करने के दौरान हमारे भीतर किसी प्रकार का स्ट्रेस, कन्फ्लिक्ट, प्रेशर, टेंशन जैसी कोई भी चीज़ हमारे साथ होती है तो उसको दूर करने की शक्ति भी मोटिवेशन में है। इसलिए COVID-19 के इस दौर में हम किसी भी कार्य को कर रहे होते हैं, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो धन कमाने का कार्य है, चाहे वो समाज की किसी एक्टिविटी में हमारी भागीदारी है, इन सभी चीज़ों को हमें विल पावर से जोड़कर काम में लेना है। इसलिए मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से जो टीचिंग करना चाहता हूँ उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग मुझे हर वक्त विल पावर के साथ हमसे जुड़े हुए मिलने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आप लोगों को कोई ना कोई फायदा अवश्य होगा।
हालांकि ये जो हम YouTube के माध्यम से आप लोगों को टीचिंग करेंगे, ये टीचिंग जो है वो 2D मोड में होती है, और 2D मोड में होने वाली टीचिंग क्लासरूम के 3D मोड टीचिंग से निश्चित तौर पर कम एफिशिएंट होती है। इसके बावजूद भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा दें, लेकिन इसके लिए हमें आप लोगों के सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। और इस आवश्यकता की पूर्ति आप हमें कब कर सकते हो, इसके लिए मैं जो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इस दौर में आपको एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी की भूमिका निभानी है। मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी की भूमिका निभानी है। देखो, व्यक्तित्व किसी एक ट्रेट या किसी एक विशेषता या किसी एक लक्षण का नाम नहीं है। आदमी की पर्सनैलिटी जो है वो अनेक ट्रेट्स या विशेषकों का समुदाय होती है, और इस समुदाय की विशेषताओं को सामूहिक रूप से हम पर्सनैलिटी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी सिंड्रोम। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो इस पर्सनैलिटी सिंड्रोम में हमारी विशेषताओं की संख्या बढ़ जाती है, और विशेष तौर से उन परिस्थितियों में जब हम बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे होते हैं, ऐसे हालात में हमें हमारे व्यवहार को प्रॉपर रखने के लिए, अपने आप को समायोजित रखने के लिए हमारे इस पर्सनैलिटी सिंड्रोम की विशेषताओं में हमें इजाफा करना होगा। इसलिए निसंदेह अभी हम जिस क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, ये हमसे एक बड़े पर्सनैलिटी सिंड्रोम की मांग करता है। इसलिए आप किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम करेंगे, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसी एक मुद्दे से जुड़ी हुई बात नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आदमी के जीवन से संबंधित जुड़े हुए सभी प्रकार के डेवलपमेंट हैं, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इसलिए हमें शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, चारित्रिक सभी प्रकार के विकास को एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि COVID-19 के इस दौर में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनमें मैंने ये महसूस किया है कि हम इन सारी चीज़ों को ताक पर रखते जा रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि जीवन के साथ खिलवाड़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने गेस्टाल्ट या हॉल डेवलपमेंट के ऊपर गौर नहीं किया। जैसे अभी COVID-19 में ये कहा जाता है कि योग श्वसन क्रिया को प्रॉपर करता है और COVID-19 से बचने में हमारी मदद करता है। ये हमारा शारीरिक डेवलपमेंट है। हम बाकी डेवलपमेंट बाद में करेंगे जब जिएंगे, और शरीर जो है वो जीवन का प्रथम अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए शारीरिक डेवलपमेंट पर हमें इस दौर में प्रॉपर ध्यान देना है। दूसरी बात, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटली डेवलपमेंट में हमारे नॉलेज से जुड़ी हुई बातें आती हैं। मानसिक विकास में हम अपने मस्तिष्क का विकास करें, नॉलेज। तो वर्तमान दौर की मांग ये है कि आप अपने मानसिक विकास को एक विषय विशेष का स्टूडेंट होकर न लें। मैं आपसे इस दौर में ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप किताबी ज्ञान को ज्ञान न समझकर हर ज्ञान को एक फिलोसफर या दार्शनिक के अंदाज में ग्रहण करेंगे। कहने का मतलब यह है कि
इस दौर में आपको अपने जीवन की एक खास फिलॉसफी बनानी है। और आप सब जानते हो कि फिलॉसफी जो है दो शब्दों का योग है, फिलॉस, फिलॉस का मतलब है लगाव, प्रेम, और दूसरा वर्ड इसमें जो है वो है सोफिया, सोफिया का मतलब है ज्ञान। फिलोसफर्स की हैसियत से अध्ययन करने का मकसद यह है कि आप किसी भी ज्ञान को किताबी तथ्य या एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने की हैसियत से न लें, बल्कि आप उस ज्ञान को इस तरीके से लें कि उसके प्रति आपके भीतर लगाव पैदा हो रहा है। और अगर आपके प्रति, आपके भीतर उस ज्ञान के प्रति लगाव पैदा हो रहा है, इट मीन्स सोसाइटी के एक हिस्से के भीतर उस ज्ञान के प्रति लगाव पैदा हो रहा है, और एक एक से ही समाज बना हुआ है, अगर इस तरीके का अध्ययन हम करेंगे तो अवश्य ही समाज में ज्ञान के प्रति लगाव बढ़ेगा। और ज्ञान के प्रति लगाव बढ़ेगा तो हम हमारी दैनिक जीवन में जो डिसीजन मेकिंग की एफिशिएंसी है उसमें इजाफा करेंगे, और निश्चित तौर पर हम किसी प्रकार का व्यवहारिक मिस रिप्रेजेंटेशन कहीं भी नहीं करेंगे। इसलिए किताबी ज्ञान को या मानसिक विकास को जब भी आप ग्रहण करते हो तो निश्चित तौर पर आप उसको एक फिलॉसफर की हैसियत से अडॉप्ट करें, मतलब ज्ञान को रट्टू तोते की नहीं, की तरह नहीं लेकर आपको एक फिलॉसफर की हैसियत से ग्रहण करना है। अगली जो चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सब कब संभव है, इस मुश्किल दौर में पर्सनैलिटी सिंड्रोम में हम बढ़ोतरी कैसे कर सकते हैं, ये सब कैसे संभव है, तो इस परिस्थिति में मैं आपसे कहूँगा कि आप हेल्थ, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, कैरियर, मिस रिप्रेजेंटेशन, सोशल, पॉलिटिकल या साइकोलॉजिकल क्राइसिस से बचने की कोशिश करें। कहने का मतलब यह है कि आप इनमें से किसी भी प्रकार के क्राइसिस के शिकार होते हो तो निश्चित तौर पर आपके भीतर ज्ञान का अभाव है। कहने का मतलब उस क्राइसिस से संबंधित ज्ञान को अपन ने ज्ञान की हैसियत से नहीं लिया, बल्कि हमने एक तथ्य की हैसियत से उसे अडॉप्ट किया है, और ऐसा करना कतई डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता। अगली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इस दौर में हमें न केवल अपने आप को मोटिवेट रखना है, बल्कि अपने साथ साथ सोसाइटी के उस तबके को भी मोटिवेट करना है जो अपने आप को इस क्राइसिस के दौर में अपने से ज़्यादा पीड़ित महसूस कर रहा है। हालांकि पीड़ाएं सबकी हैं, जैसा आदमी का स्तर है, जैसी उसकी हैसियत है, वैसी उसकी इस दौर में पीड़ाएं हैं। छोटे आदमी की पीड़ा छोटी है, बड़े आदमी की पीड़ा बड़ी है, फिर भी हम सब एक दूसरे के लिए एक मोटिवेटर का काम कर सकते हैं। और इसको यूं अपन कह सकते हैं कि इस समय हमें जिस मोटिवेशन की मांग है उसे हम दो भागों में देखकर सोच सकते हैं, एक इंट्रा मोटिवेशन और दूसरा इंटर मोटिवेशन। इंट्रा मोटिवेशन का मतलब है कि हम अपने आप को भीतर से प्रेरित करें, और अपने आप को भीतर से प्रेरित करने का मतलब यह है कि हम अपने आप को इल्यूमिनेट करें, हम अपने आप को प्रदीप्त करें। कहने का मतलब यह है कि हमारे भीतर एक ऐसी ज्योति होती है, एक ऐसी मशाल होती है, अगर उसको हम जला लें तो हम हर बाधा से पार जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें आवश्यकता है कि हम हमारे भीतर की बत्ती को जलाएं, अपने आप को इल्यूमिनेट करें। दूसरी बात यह है कि अपने आप को इल्यूमिनेट करना इस क्राइसिस के दौर में पर्याप्त नहीं है,
इसके साथ साथ हमें इंटर मोटिवेशन पर भी बल देना पड़ेगा। कहने का मतलब ज़रूरत के हिसाब से हमें बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना पड़ेगा, हमें बाकी लोगों को भी मोटिवेशन देना होगा ताकि हम उनको भी इस क्राइसिस से बचाने में अपना योगदान दे सकें। और वैसे भी देखो, जब जब भी मानव सभ्यता के ऊपर किसी प्रकार की आपदा आई है तो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, पूरी सोसाइटी की एक कलेक्टिव, एक सामूहिक समस्या बनी है। और उस समस्या से निजात भी हमने तभी पाया है जब समाज के हर व्यक्ति ने एक गुड सिविलियन की तरह काम किया है। कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा हम इस चीज़ को किस एंगल से देख सकते हैं, जैसे इसको दूसरे वे में हम देख सकते हैं कि हमारा मनोबल इस दौर में बना रहना ज़रूरी है। मीन्स हम अपने मॉरल को मेंटेन रखें, हम अपने मॉरल को मेंटेन रखें। और मॉरल दो चीज़ों से मिलकर बना है, वो है इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। कहने का मतलब यह है कि अभिरुचि और अभिवृत्ति, ये दो ऐसी सत्ताएं हैं जो मिलकर हमारे मॉरल का निर्माण करती हैं। और इस मॉरल का निर्माण करने वाले इन दोनों घटकों का अपना एक खास महत्व होता है। देखो, अभिरुचि हमारे लिए एक ऐसा साइकोलॉजिकल एलिमेंट है जो किसी विशेष परिस्थिति में विशेष कार्य के संबंध में हमारे भीतर किसी प्रकार का दृष्टिकोण पैदा करती है। अगर हम उस विशेष परिस्थिति में विशेष कार्य के प्रति नेगेटिव दृष्टिकोण पैदा कर लेते हैं तो हम अपनी उपलब्धियों से, हम अपनी सफलताओं से दूर होते जाते हैं। और यदि हम उसके प्रति पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर लेते हैं तो उस कार्य के संबंध में सफलताएँ हमसे ज़्यादा दूर नहीं होती, या यूँ कह सकते हैं कि हमारी सफलता 100% सुनिश्चित है। दूसरी चीज़ ये है कि एप्टीट्यूड या अभिवृत्ति, ये वह मनोवैज्ञानिक एलिमेंट है जो हमारे लिए इस सवाल को डिसाइड करता है कि हम किन परिस्थितियों में किस प्रकार का बिहेव करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आदमी किन हालातों में कैसा बिहेव करता है, ये उसकी अभिवृत्ति पर निर्भर करता है। और ये दोनों ही बातें COVID-19 जैसे क्राइसिस दौर में हर सिविलियन के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इन दोनों सवालों पर मंथन करना है कि हमें हर कार्य के प्रति अपना सकारात्मक रुख रखना है और जिस परिस्थिति में हमें जिस तरीके से पेश आना चाहिए हम उसी तरीके से पेश आएंगे। ये दो बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये वर्तमान जो दौर है वो वास्तव में हमारे भीतर हमारे अभिरुचि और अभिवृत्ति के स्तर को ही परख रहा है। दूसरी बात, इस दौर से बाहर निकलने के लिए हमारे पास इसका सबसे महत्वपूर्ण जरिया क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जरिया क्या है, तो इस संबंध में ऐतिहासिक तथ्यों से ये ज्ञात होता है, या यूं कह सकते हैं कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भी मनुष्य सभ्यता आपदा के दौर में घुसा है तब तब उसके जिंदा होने का सबूत एक ही चीज़ ने दिया है, और वह है मनुष्य की सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। क्या इम्पोर्टेंस है इस दौर में हमारी क्रिएटिविटी का? देखो, क्रिएटिविटी एक ऐसी संकल्पना है जिसमें व्यक्ति अपने आप को पहले से भिन्न प्रस्तुत करता है, या व्यक्ति के भीतर 100% वैसा कुछ नहीं चलता जैसा पहले से उसमें चला आ रहा है। और निश्चित तौर पर यह दौर हमारे लिए अग्नि परीक्षा का दौर है जो एक बड़ी क्रिएटिविटी की मांग कर रहा है, चाहे वो दैनिक जीवन की बात
हो, समाज में लोगों के मिलने जुलने की बात हो, चाहे हमारे पढ़ने और पढ़ाने की बात हो, चाहे पैसे कमाने की बात हो, चाहे शासन और प्रशासन की बात हो, सारे डायमेंशन बदल रहे हैं। क्योंकि इस दौर में हम कुछ भी वैसा नहीं कर पा रहे हैं जैसा हम सामान्य हालातों में करते हैं। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि एक सामान्य जीवन में या सामान्य हालातों में हमें क्रिएटिविटी की उतनी बड़ी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी विपरीत परिस्थितियों में, एक्सेप्शनल परिस्थितियों में या COVID-19 जैसी आपदा के दौर में पड़ती है। इसलिए हमें निश्चित तौर पर हमें अपने पढ़ने पढ़ाने, सामाजिकता निभाने, परीक्षाओं, मूल्यांकन, इन सभी प्रणालियों को एक नए सिरे से क्रिएटिविटी देने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक कन्फ्यूज है जो हमें बहुत परेशान कर रहा है कि एग्ज़ाम्स होंगी कि नहीं होंगी, होंगी तो कब होंगी, डिग्रीज मिलेगी, प्रमोशन अगली क्लास में एग्ज़ाम के थ्रू होगा या विदाउट एग्ज़ाम होगा। तो देखो, ये सब चीज़ें हालातों पर डिपेंड करती हैं और इनके बारे में हमें भले ही अभी कोई जवाब नहीं मिला हुआ होगा, लेकिन निश्चित तौर पर एक सकारात्मक जवाब हमें यहाँ से मिलेगा। क्योंकि हम सब मिलकर यदि हमारा क्रिएटिव एक्शन इसके ऊपर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉब्लम का समाधान हमें नहीं मिले हो। तो कहने का मतलब ये कि क्रिएटिविटी की हमें सख्त आवश्यकता है और इन सब मसलों को हमें नए तरीके से हल करना होगा, ये भी निश्चित है। तो यहाँ तक कि हमें जीवन का अंदाज भी बदलना पड़ेगा। इसलिए अपने हर तरीके से या अपने आप को हर तरीके से हमें एक सुरक्षित कवच में रखना है। इसीलिए आयुक्तालय की ये योजना जो आपको YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाने की आई है, उसका मकसद यही है कि आपकी एजुकेशन या आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट अवरुद्ध न हो और आपके जीवन को किसी प्रकार का खतरा भी आसन न हो। इसलिए पूरे फेथ के साथ आप इस बात को स्वीकार करें कि अभी हमारे पास जो ऑप्शन है ये बेटर ऑप्शन है। दूसरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है इंटरेस्ट और अटेंशन की। हम इन वीडियो चैनल्स के माध्यम से कितना ही बढ़िया काम क्यों न करें, जब तक कि आपका और हमारा प्रॉपर इंटरेस्ट और अटेंशन नहीं होगा तब तक हमारा कार्य कतई अच्छा साबित नहीं हो सकता। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंटरेस्ट और अटेंशन के साथ हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब आप कहेंगे कि इंटरेस्ट और अटेंशन से क्या हो सकता है, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में ये बात बताना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट वो चीज़ है जो हमारे भीतर किसी कार्य को करने की लस्ट या प्यास पैदा करता है या हमारे भीतर रुचि पैदा करता है, हमें अंदर से मोटिवेट करता है कि हम ये करना चाहते हैं। और दूसरा है अटेंशन। अटेंशन वो सत्ता है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए उन्मुख करती है या उस कार्य के ऊपर बने रहने के लिए हमें बाध्य करती है। और ये केवल बाध्य नहीं करती, अटेंशन हमें तब तक किसी कार्य पर बने रहने के लिए बाध्य करती है जब तक कि हम उस कार्य या किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ लेते या कार्य से हम अपना मकसद हल नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस YouTube चैनल के साथ बड़े इंटरेस्ट और अटेंशन के साथ बने रहेंगे। एक बात जैसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि केवल रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनर्स ही प्रबंधक नहीं होते हैं। इस सृष्टि में किसी भी कार्य प्रणाली में सबसे अच्छा प्रबंधक मनुष्य खुद है और मनुष्य स्वभाव से एक प्रबंधक है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस दौर में
आप अपने आप के मामले में एक अच्छा मैनेजर साबित हों। वैसे तो हैं हम, जीवन में हर कदम पर हम अच्छे प्रबंधक हैं और होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ इस क्राइसिस के दौर में हमारे एक बड़े मैनेजमेंट लेवल की मांग प्रत्येक सिविलियन से है और हमें सोसाइटी में इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना भी चाहिए। और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि समाज की कोई भी संस्था, समाज का कोई भी कर्मचारी कभी भी छुट्टी पर जा सकता है, लेकिन एक सिविलियन कभी छुट्टी पर नहीं जाता। इसलिए आप हमें इस दौर में पूर्णतः आश्वस्त रखेंगे कि आप एक अच्छे सिविलियन की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हो, और अगर आप ऐसा करोगे मीन्स स्टे एट वर्क विदाउट फियर, देन इस दौर में भी हमारे लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। इस क्राइसिस में भी कोई चीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके साथ साथ आपको एक बात और भी ध्यान में रखनी है, जैसे कई लोगों को कई एक्टिविटीज में दुख होता है या अपने आप को दुखी या पीड़ित महसूस करते हैं, तो देखो ये प्रकृति का एक शाश्वत सत्य है, कि दुनिया में दुख है और दुख का कारण भी है और जो दुख है उसका निवारण भी है, और दुख के निवारण का साधन भी है। COVID-19 हमारे साथ एक तकलीफ है, हमारे लिए एक दुख है, इसकी वजह है कोरोना वायरस, और इसका निवारण भी है, क्योंकि प्रकृति में समस्याएं बाद में आती हैं और उनके समाधान पहले आते हैं। ये बात अलग है कि हम उन समाधानों को पहचानने में थोड़ी देरी कर देते हैं और तब तक वो समस्याएं हमारा कुछ हद तक नुकसान कर चुकी होती हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं हो सकता कि हमारे सामने समस्या आई हो और उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिला हो। अगर हमने बड़ी शिद्दत से हमारी पूरी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी एफिशिएंसी के साथ उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए या उससे पास आउट पाने के लिए हमने किसी प्रकार का प्रयास किया हो और उसका नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आया हो, इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमें इस महामारी के दौर में अपने आप को दुखी महसूस नहीं करना है, अपने आप को विफल महसूस नहीं करना है, बल्कि हमें उन समस्त साधनों को ढूंढना है जो हमें इन परिस्थितियों से बाहर ला सके, हमें किसी भी तरीके से हरेस नहीं कर सके। इसलिए आप एक अच्छे सिविलियन की हैसियत से ये सब चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है, अभी मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि अभी हमारा दौर ऐसा आ गया है जिसमें हमारे लिए डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस डिजिटल लिटरेसी के मामले में मैं भी अपने आप को पूर्णतया इलिटरेट कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने सोशल मीडिया पर कभी कोई कमेंट या किसी प्रकार का वीडियो वगैरह नहीं डाला है। आज पहली बार आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से फेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन गलतियाँ होने के डर से हमें कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे आप में से भी कई हैं जिनको डिजिटल लिटरेसी बिल्कुल नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक कोशिश करें, और कोशिश करोगे तो निश्चित तौर से हमारे बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन या एक अच्छे संवाद का एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस YouTube चैनल के माध्यम से क्रिएट हो सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे। कुछ कोशिश हम करेंगे, कुछ कोशिश आप करो, और अगर इस मंत्र पर हम काम करते रहे तो निश्चित तौर पर हम आपकी उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो आप हमसे रखते हैं। और यदि ऐसा हम कर गए तो समझ लो हम अपने धर्म का पालन कर गए। यही उम्मीद इस YouTube चैनल के माध्यम से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमसे लगाई है, और
इसके लिए आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि उसने नहीं किया मैं क्यों करूं, जब वो करेगा तो मैं करूंगा। हमें ये निश्चय करना है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अगर हम में से प्रत्येक ने ये सोच लिया है तो निश्चित तौर पर इसके नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। जय हिंद।